और अब खबर आम आदमी पार्टी को मिली एक और राहत की। दिल्ली के राउस एवेन्यू अदालत ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में दिल्ली के पूर्व मंत्री सत्येंद्र जैन की जमानत याचिका स्वीकार कर ली। इस मामले में सत्येंद्र जैन को मई 2022 में गिरफ्तार किया गया था। अदालत ने जैन को सशर्त जमानत दी है। जैन देश से बाहर नहीं जा सकेंगे। अदालत ने कहा है कि सत्येंद्र जैन 18 महीने तक जेल में बंद रहकर सजा काट चुके हैं। वहीं आज सत्येंद्र जैन थोड़ी देर में जेल से बाहर आ सकते हैं, जहां उन्हें लेने आम आदमी पार्टी के कुछ बड़े नेता जा सकते हैं।